हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन दी नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। सो वी विल चेक ओवरऑल योर लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। एंड की रीडिंग जनरल है, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है। सो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, या फिर पार्शली भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग की नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड देन वी हैव हर्मिट। टेन ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है गाइस एक नई शुरुआत को, आई थिंक कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके बीच में। और ये नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप काफी हद तक अपने आप को जानने वाले हो, अपना इनर वर्क करने वाले हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है। या सो नेक्स्ट 2 मंथ्स गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है विद 10 ऑफ कप्स, एज इफ की एक बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में इन दी मैटर्स ऑफ लव लाइफ। जो लोग ना वेट कर रहे हैं ना कि शादी का, या फिर मतलब उनकी फैमिलीज मिले आपस में बात करें, तो मुझे वो दिख रहा है होते हुए कि आपकी फैमिलीज जो है वो आपस में मिल रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली जो है उनके लिए एक अच्छा रिश्ता लेके आ रही है। बट डेफिनेटली नेक्स्ट 2 मंथ्स में जो है आप और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। मतलब आप लोग अगर मैरिड भी हो तो भी आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी मुझे होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप और आपके पार्टनर दोनों अपना इनर वर्क करने वाले हो, स्पेशली आप जो अपना इनर वर्क करोगे, अपने आप को पहचानोगे, राइट, अपने आप को सेल्फ ग्रो करोगे, उसके बाद ही आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, राइट। आप अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे उसके बाद। यहाँ पे कार्ड है गाइस नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स ये कार्ड है एक्शन का। तो चाहे ये कार्ड आपके लिए है, चाहे कार्ड आपके पार्टनर के लिए है, बट यहाँ पे एक्शन कोई ना कोई ले रहा है। चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी हो, चाहे कुछ भी हर्डल्स हो आपके बीच में, कितनी भी प्रॉब्लम्स, रिलीजन प्रॉब्लम, कास्ट प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, एनीथिंग एनीथिंग गाइस, लेकिन यहाँ पे कोई है जो आपके लिए उसके बावजूद भी एक्शन ले रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे कार्ड 2 आए हैं गाइज, ये 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। आई थिंक आपके पार्टनर जो है ना वो आपसे काफ़ी इमोशनली डिस्टेंस उन्होंने बना रखा है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहे उन्हें कितना भी प्यार दे दो, आप चाहे उन्हें कितना भी इमोशंस अपने शो कर दो, चाहे उनके लिए आप कितना भी कर लो, बट ये पर्सन ना हमेशा आपकी वैल्यू कभी नहीं करता है, या फिर इस पार्टनर ने कभी जो प्यार आप इन्हें ऑफर कर रहे हो ना उस चीज़ की वैल्यू कभी करी नहीं है। तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग जो हैं इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स उस चीज़ से मूव ऑन करके, उस पर्सन से मूव ऑन करके, वो जो आप एफर्ट डाल रहे हो ना, आप देख रहे हैं कि इस पिक में ये जो पर्सन है ये कप लेके आ रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब फाइनली इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया अपने सारे कप्स को, अपने सारा प्यार इमोशंस को छोड़ के। तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ना मूव ऑन करने वाले हैं द नेक्स्ट 2 मंथ्स ऐसे रिश्ते से जो आज आपको खुशी नहीं मिल रही है। चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, इवन अगर आपका हस्बैंड वाइफ आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, या आपका पार्टनर, राइट, चाहे आप मैरिड नहीं भी हो, तो भी आप ना उस चीज़ से काफ़ी हद तक मूव ऑन करके एक अपना अलग स्टैंड बनाने वाले हो, राइट, अपना इनर वर्क करने वाले हो। यहाँ 3 पिक्स देख रहे हैं, यहाँ पे ये पार्टनर को अप्रिशिएशन नहीं मिला तो उसने मूव ऑन कर लिया, और अभी अपने आप को सेल्फ ग्रो कर रहा है यहाँ पे ये पर्सन। तो आप अपने आप पे ध्यान दोगे, बिकॉज आप जानते हो कि अगर आप जब तक आप इस पार्टनर के पीछे पड़े रहोगे, जब तक आप इस पार्टनर को पैम्पर करते रहोगे, ये पार्टनर ना कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो आप मे बी इसे मूव ऑन कर चुके हो, कर रहे हो, और आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, उसके बाद ही ये पार्टनर जो है आपके लिए एक्शन लेगा कि हाँ, तब इसको रियलाइज होगा कि इसने अपनी लाइफ में क्या खोया है,
और यहाँ पे मुझे कुछ बड़ा सेलिब्रेशन दिख रहा है इन द नेक्स्ट 2 मंथ आपके लिए। 3 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कुछ बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। काफ़ी लोगों के यहाँ पे मुझे रिश्ते जो हैं वो फाइनल होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों की फैमिलीज़ जो हैं, फैमिली गैदरिंग हो रही है। काफ़ी लोग अपने पार्टनर के साथ इंजॉय कर रहे हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है आपकी फैमिली में जहाँ पे आप लोग सेलिब्रेट मुझे करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। चलिए और निकालते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। नेक्स्ट 2 मंथ्स लव लाइफ, यहाँ पे कार्ड आया गाइस, डिसेप्शन एंड एनवी। एग्जैक्टली, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत डिसेप्टिव है, राइट? वो जो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बता रहा है, जो आपको ना हमेशा सिर्फ हर्ट कर रहा है, राइट? आपसे जेलस करता है, या फिर आपको इसने सिर्फ हर्ट किया है। तो ऐसे पार्टनर से आप अपने आप को अलग कर रहे हो, या फिर ऐसे पार्टनर का ट्रू फेस जो है ना वो आपके सामने आ रहा है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ऐसा भी दिख रहा है मुझे, काफ़ी लोगों के पार्टनर का ट्रू फेस जो है वो आपके सामने आएगा। ये भी एक ऐसा दिख रहा है मुझे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए। चलिए और देखते हैं कि और क्या है आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स में लव लाइफ में। यहाँ पे कार्ड आए गाइस, इमोशनल विड्रॉल, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, स्पिरिचुअल यूनियन। सो गाइस, यहाँ पे ना इमोशनल विड्रॉल जो कार्ड आया है ये वही है 8 ऑफ कप्स, राइट? कि आप इस पार्टनर से आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो और आप करोगे, मतलब इमोशनली आप इससे मूव ऑन कर लोगे, फिजिकली नहीं, इमोशनली आप इससे मूव ऑन कर लोगे। कि अब आपको लग रहा है कि जितना मैंने एफर्ट डालना था इस रिश्ते में मैंने डाल लिया, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, राइट? बिकॉज एक इंसान की लिमिट होती है कि वो कितना प्यार दे सकता है, उसके बाद वो इंसान ना गिवअप कर देता है। तो आप में से काफ़ी लोग शायद अपने पार्टनर को अब अपने वो इमोशंस दिखाना जो है वो बंद करोगे, ऐसा लग रहा है। उसके बाद ही इस पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज होगी और ये आपके पास आएगा। स्पिरिचुअल यूनियन, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। आपका यूनियन हो रहा है, एक पार्टनरशिप हो रही है आपके बीच में, और कुछ लोगों के पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। जब आप उनसे वो विड्रॉल कर लोगे ना, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाना बंद कर दोगे, वो उनके एफर्ट लगाना बंद कर दोगे, उसके बाद ही ये पार्टनर जो है ये आपके पास आएंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड आप दोनों का यूनियन। मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स में काफ़ी लोगों का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोग एक पार्टनरशिप में आ रहे हो, काफ़ी लोग जो है अपने पार्टनर से मिल रहे हो, प्रपोजल मिल रहा है काफ़ी लोगों को, और काफ़ी लोगों की यहाँ पे शादी भी मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स में दिख रही है फिक्स होते हुए। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स फॉर यू नेक्स्ट 2 मंथ्स। यहाँ पे कार्ड आया गाइस, गार्डन। ये कार्ड होता है डिवाइन फेमिनिन का। तो अब नेक्स्ट 2 मंथ्स में ज़रूरी है कि फालतू लोगों के लिए एफर्ट्स ना लगाए जाएं, फालतू चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करा जाए, और जितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट आपने किसी और पर्सन को दिया है, उतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट आप खुद को दो और अपने आप में एक प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेके आओ। नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपने आप को हील करना आपको बहुत ज़रूरी है, राइट? यहाँ पे कार्ड भी आ गया था इस डिवाइन फेमिनिन। ये दोनों कार्ड इंडिकेट सेम चीज़ करते हैं, डिवाइन फेमिनिन। तो आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपने आप को हील करना है, आपको डिवाइन फेमिनिन बनना है, उसके बाद ही इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज होगी। वरना अगर आप इसके पीछे भागते रहोगे, अगर आप इसके पीछे हमेशा अपना कप ऑफ लव लेके घूमते रहोगे ना, तो इसको रियलाइज नहीं होगा। आप डिवाइन फेमिनिन बनोगे तो ये पार्टनर खुद आपके पास आएगा अट्रैक्ट होकर। रेनबो रिवाइवर। तो अपने आप में खुश रहो, अपनी हैप्पीनेस अपने आप ढूंढो, उसके बाद ही ये पार्टनर जो है आपके पास आएगा, या फिर आपको कोई बहुत गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा, उसके बाद ही आपको कमिटमेंट देगा, आपको जो आप चाह रहे हो इस पार्टनर से वो आपको मिलेगा इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। देन वी हैव सोलमेट्स। वाओ, आई थिंक आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो अगले 2 महीनों में, या फिर आप मिल चुके हो, या फिर ये जो पार्टनर है ना ये रियलाइज कर रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, और दैट्स वाई ये आपके पास आ रहा है और आपको ये कप ऑफ लव, अपना अपना इमोशनल
साइड जो है वो शो करेगा आपको इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। इस पार्टनर में बहुत चेंज आएगा अगर आप अपनी हीलिंग करते हो तो। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स आपकी लव लाइफ। यहाँ पे कार्ड आए हैं गाइस ट्रेजर आइलैंड, और यहाँ पे कार्ड आया है ब्लेस्ड। तो कोई बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर आप बहुत ही ब्लेस्ड फील करोगे इन द नेक्स्ट 2 मंथ, बिकॉज आप डिवाइन फेमिनिन हो, राइट? तो आप डिवाइन को थैंक यू बोलने वाले हो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, कोई बड़ी हैप्पीनेस जो आपको देने वाले हैं वो। एंड देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड, तो कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड किसी का कॉल आ जाए, कोई आपसे मिलने आ जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आपने नहीं सोचा है, ऐसा कुछ बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो मुझे मिलती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपकी लव लाइफ में। कि आपने अगर ना सोचा है कि ये पार्टनर कभी आपके पास आएगा, तो भी ये पार्टनर आ गया, इसका कॉल आ गया, इस तरह से। देन वी हैव नॉट फॉर यू, तो मैंने क्या कहा था कि आप में से काफ़ी लोग मूव ऑन करने वाले हो, या तो परमानेंटली या फिर टेम्प्ररी, बट आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये पार्टनर ना मेरे लिए नहीं है। मतलब आपने बहुत एफर्ट डाल लिया और आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया किसी पर्सन के ऊपर, फिर भी उस पार्टनर ने शादी कर ली किसी और से, या फिर वो पार्टनर ना चला गया फाइनली आपको छोड़ के, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, अब ये मेरे लिए नहीं है और अब मुझे इसका वेट नहीं करना चाहिए, और आप अपने ट्रू सोलमेट जो आपके लिए बनाए पर्सन, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अगले 2 महीनों में। देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर चीज़ें स्टक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिवाइन टाइमिंग। आप में से काफ़ी लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो अभी कुछ ना कुछ डीले है, कुछ ना कुछ लेसन्स है जो आपको सीखने हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स में डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अपना, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पे कार्ड आएगा इस मेन फीमेल, तो मेन फीमेल आपके पार्टनर ना आपको प्रपोजल दे सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं इस पर्सन के हाथ में रोज है, तो काफ़ी लोगों को प्रपोजल मिल रहा है, कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं। सबकी लाइफ में अलग अलग स्टोरीज होती है गाइस। ऑफिशियल पर्सन, तो आई थिंक आपका रिलेशनशिप ऑफिशियल हो रहा है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, या फिर आप किसी ऐसे पार्टनर से डेट कर रहे हो जो कि आपसे एज में बड़े हैं या फिर मेच्योर्ड है, बट आपका रिलेशनशिप जो है ना वो ऑफिशियल हो रहा है। टॉयल एंड लेबर, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स ना बहुत हार्डवर्क के होने वाले हैं, आपको बहुत हार्डवर्क करना है अपने आप पे, इस रिलेशनशिप पे, स्पेशली अपने आप पे बहुत हार्डवर्क है। बहुत मतलब चैलेंजेस भी आ सकते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है, हार्डवर्क कंटिन्यू रखना है अपना। अगर आपको पता है ना कि ये पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और ये पार्टनर लॉयल हैं, मतलब किसी और के साथ नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इस पार्टनर का वेट करना चाहिए। बट अगर उसने आपको छोड़ दिया, अगर उसने आपकी वैल्यू नहीं करी, तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग मूव ऑन कर रहे हैं उस वजह से। चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। नेक्स्ट 2 मंथ्स यहाँ पे कहा जाए गाइस, पहला है यहाँ पे एक्साइटमेंट। तो कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा जाने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ, कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ मिल रही है आपको, फाइनली आप जो चाह रहे हो वो हो रहा है, गुड फॉर्च्यून, तो गुड लक आपकी साइड है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में। फ्रस्ट्रेटेड रहोगे कभी कभी, लेसन्स आपको सीखने हैं जो कि आपने अभी सीखे नहीं है, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग ना सोलमेट जर्नी में हो, और वो जर्नी जो है वो ईजी नहीं होगी। रिकन्सिलिएशन, एग्जैक्टली, काफ़ी लोगों को रिकन्साइल हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ, मिल रहे हो काफ़ी टाइम बाद। टेम्प्ररी सिचुएशन, तो जो भी चल रहा है ना ये बुरा टाइम, वो टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं है। समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, क्या कहा था मैंने आपको कि आप अपना कप ऑफ लव इस पार्टनर के पास लेके आ रहे हो, लेकिन ये पार्टनर आपकी वैल्यू कर ही नहीं रहा है, तो ये बहुत स्टबर्न पर्सन है, ईगोस्टिक पर्सन है, और चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो छोड़ दो इसको अभी, इसको अपने हाल पे छोड़ दो, ये अपने आप ही आ जाएगा। यू आर हाईली थॉट ऑफ, तो वो आपको बहुत मिस कर रहा है अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो। वेकेशन फिजिकली और मेंटली, तो आप में से काफ़ी लोग घूमने जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ नेक्स्ट 2 मंथ में। टाइम टू एक्ट, तो कोई आपके लिए एक्शन ले रहा है। एंड देन वी हैव एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू, तो आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होगा इन द नेक्स्ट 2 मंथ, या फिर एक फैमिली बनाने वाले हो आप और आपके पार्टनर मिलके। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, ये है अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइज आने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा,
या चीज़ें जो है ना वो अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगी, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है वैसा नहीं होगा, और जो होगा ना अच्छा ही होगा। चलिए आपके लिए बस गाइडेंस निकाल लेते हैं लास्ट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पे कार्ड आएगा गाइस, पहला है सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो अपनी लाइफ को एकदम सिंपल रखो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, और बहुत ही एक काम और पीस वाली एनर्जी जो है ना वो अपने अपने अंदर रखो। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो जो भी पास्ट में नेगेटिविटी रही है उसको हील करके हटा दो उसको, और हील करो प्रेजेंट को, और एक फ्यूचर के लिए वर्क करना स्टार्ट करो। ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान, राइट? क्या कहते हैं, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे। तो एक डिवाइन प्लान है, आगे रास्ता नहीं दिख रहा है आपको, आगे सब कुछ डेजर्ट पैसेज है आगे, लेकिन आगे बढ़ते रहो, जो एक हैप्पीनेस है ना वो आपको आगे मिलेगी बहुत जल्द। एंड देन वी हैव ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। तो आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में काफ़ी अपने स्पिरिचुअल गाइड से कनेक्ट होने वाले हो, स्पिरिचुअल बनने वाले हो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने वाले हो जो आपको गॉड से और कनेक्ट करेंगे, तो आप काफ़ी डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हो इन द नेक्स्ट 2 मंथ, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।